बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। आज हम बनाएंगे खीमा और करेले की सब्ज़ी। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे दो छोटे साइज के बैम्बू शूट ले रही हूँ। इसको हम पील कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो हमारे बैम्बू शूट कितने कौले हैं, कितने आसानी से पील हो रहे हैं। इसी तरीके से सभी बैम्बू शूट को पील कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों बैम्बू शूट का छिलका निकाल लिया है। अब इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको अब हम फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। जैसे प्याज को कट करते हैं उसी तरीके से कट कर लेना है। अब इसी तरीके से सभी बैम्बू शूट को भी फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बैम्बू शूट को अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लिया है प्याज की तरह। अब इसको पानी के अंदर डाल देंगे। एक बाउल के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर कटे हुए बैम्बू शूट डाल रही हूँ, और थोड़े से स्लाइसेस मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, 2 से 3 टीस्पून जितना डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 2 दिन तक उठाकर रख देंगे। और दिन में 2 बार इसका पानी चेंज करते हुए भिगो कर रखना है। सुबह में 1 बार, शाम में 1 बार इसका पानी चेंज करना है। तो चलिए 2 दिन बाद हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब 2 दिन हो चुके हैं। ये देखिए हमारे बैम्बू शूट कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। 2 दिन तक मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, सुबह और शाम में इसका पानी चेंज करते हुए। अब ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, इसका पानी फेंक देंगे। देखिए मैंने बैम्बू शीट के अंदर का पानी छान लिया है। अब एक कुकर लेकर इसके अंदर टेंडर किए हुए बैम्बू शीट डाल रही हूँ, यानी कि करेले। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और 2 कप जितना पानी डाल देंगे। अब कुकर बंद करके इसको गैस पे चढ़ा लेंगे। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस ऑन करके कुकर को हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए कुकर की 3 सीटी आ चुकी है। गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके कुकर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप सूखे मटर को मैंने रात में ही पानी में भिगो कर रख दिया था, अब अच्छे तरह से भीग चुके हैं। एक पैन लेकर इसके अंदर भीगे हुए मटर डालेंगे। इसके अंदर भी 2 कप जितना पानी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी गैस पे चढ़ा लेंगे। देखिए मैंने मटर वाले पैन को चूल्हे पर रख दिया है। अब गैस ऑन करके मटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए हमारे मटर भी अच्छे से गल गए हैं, मैंने इसका पानी छान लिया है। अब इसको उठाकर साइड में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस पे दूसरा पैन रख देंगे। इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 बड़ी प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, तेल के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। देखिए अब हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 4 टीस्पून जितनी हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना दही,
और 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल रही हूँ। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, तेल भी छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पे 3 टमाटर को फाइन चॉप करके रखा हुआ है इसके अंदर डाल देंगे। डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए अब हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ पे 300 ग्राम जितना बकरे का गोश्त लेकर इसको मैंने मिक्सी में डालकर इसका खीमा बना लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डालकर खीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे। देखिए मैंने खीमे को मसाले के अंदर अच्छी तरीके से भून लिया है। इसको कवर करके 10 मिनट तक खीमे को पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा खीमा कितने अच्छे से पक गया है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर उबले हुए मटर डालेंगे और उबले हुए कड़ले यानी कि बैम्बू शूट। इसी के साथ 5 हरी मिर्च डाल रही हूँ छोटी वाली। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी डाल रही हूँ। डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करके और 10 मिनट तक पका लेंगे इन सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी खीमे की सब्जी अच्छे तरीके से पक गई है, बैम्बू शूट और खीमे की सब्जी। इसके अंदर का पानी भी पूरा जिर गया है। अब इसके अंदर 1 कटा मेथी की भाजी को डाल रही हूँ, मैंने अच्छे से धो के फाइन चॉप करके रख लिया है। और इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मेथी की भाजी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद इसके अंदर 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे, नींबू को कट करके। अब नींबू के रस को भी अच्छे तरह से मिक्स करके इसको सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने खीमा और कड़ले सब्जी को डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी खीमा और कड़ले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि बैम्बू शूट की सब्जी। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।